मदरसन सुमी वायरिंग की और नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। बढ़िया परफॉर्मेंस साल दर साल, आय में 50% का उछाल, एबिटा 81% का जंप और इसके चलते मुनाफा 107% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा और स्टॉक का चाल भी दिखाईगा स्क्रीन पे अपने ईयर हाईज के आसपास। मदरसन वायरिंग इंडिया कामकाज करता हुआ। विवेक सर स्वागत है आपका, बढ़िया नंबर्स। अच्छा लास्ट क्वार्टर जब बातचीत हो रही थी तो नंबर्स इंपैक्ट हुए थे वो सेमीकंडक्टर इश्यूज के चलते, किस हद तक वो ना सिर्फ सेमीकंडक्टर वो जियोपॉलिटिकल और वो सब इश्यूज आपने जो हाईलाइट करे थे, ताजा स्थिति क्या है, इस बार कितनी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, ईज ऑफ हुई? देखिए बहुत खुशी है, अवर रेवेन्यूज 50% के करीब ऊपर बढ़े हैं, एबिटा करीब करीब 81% ऊपर गया है और जो हमारा पीबीटी है और पैट है वो 112 या 107% ऊपर गया है। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुई है और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने देखा है कि जून के अंदर में हुई थी, अप्रैल और मई तब भी थोड़ा सा वीकिश था। मेरे को लगता है आगे जो क्वार्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर में हम इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। और जहां तक सेमीकंडक्टर्स और इन सब की इश्यूज है, हाँ चैलेंजेस अभी भी है पर रोज हम लोग देखते हैं कि जो सिचुएशन है इम्प्रूव कर रही है और हमारे हिसाब से सितंबर अक्टूबर का जो क्वार्टर होगा वो उसके अंदर में नॉर्मल सी ऑलमोस्ट नॉर्मल सी आ जानी चाहिए। साहब एग्जैक्टली इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी रही वो कैसी रही और साथ ही साथ अब हर आदमी हर शख्स इस बाजार में इसी पे फोकस कर रहा है कि अब जिस प्रकार से मेटल प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल डिप आया है पिछले 6 महीने में, तो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए मार्जिन्स पे हम गाइड नहीं करते, हम लोग रोज पे गाइड करते हैं और रोज हम लोग का इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। अभी भी हम लोग प्लस 40% के रोज के ऊपर में काम कर रहे हैं और कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट्स नए प्लांट्स आ रहे हैं, दो प्लांट्स हम लोगों ने बैंगलोर में और चेन्नई में लगाए हैं और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए डेट कम होगा और रोज इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। ओके विवेक सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।